मैं चूंकि आज 19 मई है और 19 मई को हजारगी कल्चर डे मनाया जाता है, कोविड की वजह से तकरीबात हमने नहीं की, तो मैं इस फ्लोर के ज़रिए दुनिया भर में आबाद पाकिस्तान में आबाद अपनी कौम और इंसानों की ज़ुबान सकाफत तहजीब और तबद्दुल से प्यार करने वालों को हजारगी कल्चर डे की मुबारकबाद पेश करता हूँ और तवक्को करता हूँ कि बलूचिस्तान जो सकाफतों का कौमों का एक गुलदस्ता है इससे हमेशा मोहब्बतें बिखेरती रहेगी। जनाब स्पीकर, मैं अपनी पार्टी की जानिब से जो आज करारदाद लाई गई है उस करारदाद की हिमायत करता हूँ और जो बर्बरियत जो मजालिम फलस्तीनी आवाम पर गाए जा रहे हैं उसकी मजम्मत करता हूँ। यकीनन बहैसियत एक ज़ोर-शोर इंसान जो मजालिम दुनिया के किसी भी कोने में हो रहे हो उसकी मजम्मत करना एक ज़ोर-शोर इंसान का फ़र्ज़ है। जहाँ तक यहाँ बात हुई कि इस इशू को एक साल 100 साल से ज़्यादा हो गया ये मसला हल तलब है, जिस तरह कश्मीर का मसला है इसी तरह बहुत सारे इश्यूज़ है जो हल तलब है। इसमें मैं एक बात करना चाहता हूँ कि जिस तरह अरब नेशनलिज्म की यहाँ बात हुई, यकीनन एक पॉन इस्लामिज्म या अरब नेशनलिज्म की मूवमेंट कई बार यहाँ चली खत्ते में चली, लेकिन अफसोस के जो अरब ममालिक है या जो मुसलमान ममालिक है उन्होंने अपने मुल्की मफादात को तरजीह दी और जो एक उम्मत मुस्लिमा है या मुसलमान ममालिक है मुश्तरक तौर पर उन मसाइल के हल की तरफ तवज्जो नहीं दी। इस वजह से बहुत सारे इश्यूज़ बिखर गए और बहुत सारे मसाइल सामने आ गए। आपको याद होगा जनाब स्पीकर कि हमारे दो इस्लामी ममालिक है दोनों की नेशनलिज्म की चिंगारियां पाकिस्तान में भी फूट पड़ी और आपने देखा कि वहाँ से यहाँ से हमारे मुल्क में प्रॉक्सी वार के ज़रिए फ़िरकावारियत के एक अफरेत उभरी जिसके लपेट में यहाँ के पूरे पाकिस्तान के लोग आए और हमारी कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। ये भी हमारे दो इस्लामी ममालिक के प्रॉक्सी वार का नतीजा था। और आप देखें जिस दौरान ये वाक़ियात हो रहे थे फ़लस्तीनी आवाम पर, हमारा एक हमसाया मुल्क है वहाँ पर भी एक बहुत दर्दनाक सानहा हुआ, एक ऐसा ख़तरनाक बम धमाका हुआ जिसके नतीजे में 80 से ज़ायद बेगुनाह हज़ारा तालिबात शहीद कर दिए गए। अब आप देखिए कि वहाँ पर मुसलमान मुसलमानों को शहीद कर रहा है, फ़लस्तीन में यहूदी जो है मुसलमानों पर बमबारी कर रहा है, लेकिन ये मामला दब गया क्योंकि मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, लिहाजा किसी मुस्लिम मुल्क को ये तौफीक ही नहीं हुई कि जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं तालिबात है जिसके स्कूल पर बम धमाका हुआ है उसको इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर, नस्ली बुनियादी पर ना, नस्ली बुनियादों पर ना, कौमियत की बुनियाद पर नहीं लेकिन इंसानी बुनियादों पर उसको देखा जाए, लेकिन ये नहीं देखा गया। मैं अपनी जमात की जानिब से एक बार फिर हिमायत करता हूँ इस करारदाद की। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।